अगर आप लोग मैकेनिकल आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, किसी में मैकेनिकल है, किसी में नॉन मैकेनिकल है, किसी में आरजीबी है, किसी में नॉन आरजीबी है, किसी में स्वैपेबल है, किसी में हॉट स्वैपेबल है, किसी में रेड स्विच है, किसी में ब्लू स्विच है, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है गाइस। सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग के लिए बेस्ट गेमिंग आरजीबी कीबोर्ड कौन सा होने वाला है। सो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। सो दोस्तों, काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मैंने एक ऐसा कीबोर्ड ढूंढ निकाला है जो कि प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड होने वाला है, और ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड होने वाला है, विथ स्वैपेबल, विथ आरजीबी, विथ रेड स्विच। सो गाइस, इस कीबोर्ड का नाम है कॉस्मिक बाइट CBGK18। यस गाइस, CBGK18 जो वेरिएंट है वो रेड स्विचेस के साथ आता है, और जो CBGK16 है वो ब्लू स्विचेस के साथ आता है। सबसे पहले मैं आप लोग को अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा फायरफ्लाई CBGK18 वेरिएंट। सो आप लोग देख सकते हैं बॉक्सिंग वगैरह काफ़ी मस्त पैक करके आता है, और इसका अंदर का केसेस वगैरह भी सही होती है। तो यहाँ पे आप लोग को स्विच टू गॉड मोड लिखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे आप लोग देखे हैं गाइस, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल की पे स्क्रैच रेजिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है, एडजस्ट हाइट 87 की कीबोर्ड है, और नीचे यहाँ पे आप लोग को स्विचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आउट मेनू स्वैपेबल है, मतलब आप लोग इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हुई है। सो गाइस, बात करें इसके आरजीबी स्विचेस के बारे में, तो आप लोग फंक्शन प्लस इंसर्ट बटन प्रेस करके आप लोग इसमें आरजीबी के चेंज वगैरह कर सकते हैं। एक बार आप लोग को रूम का लाइट ऑफ करके इसका लाइटिंग दिखाना चाहता हूँ। सो 1, 2 एंड 3, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एकदम कूल लग रहा है गाइस ये आरजीबी कीबोर्ड, और इसका गाइस एरो कीज वगैरह भी बढ़िया है, एकदम सेपरेट किया गया हुआ है गाइस, कोई नमपैड की नहीं आता, मतलब प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड है गाइस। और इसमें आप लोग लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी मस्त लग रही है लाइटिंग वगैरह। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। सो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये 87 की कीबोर्ड के साथ आता है, मतलब इसमें आप लोग को टोटल 87 कीज देखने को मिलेंगी, आप लोग को राइट साइड में नम कीज देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि मैक्सिमम गेमिंग कीबोर्ड में नहीं होता। ये एक बढ़िया पॉइंट है इस गेमिंग कीबोर्ड का। और इसमें सेकेंड पॉइंट मुझे सही लगा, ऑल कीज एंटी घोस्टिंग के साथ आता है, जो कि आप लोग मल्टीपल कीज में अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। बात करें इसके रिस्पांस के बारे में, आप लोग को 1000 हर्ट्ज का रिस्पांस टाइम मिलता है। रिस्पांस वाइज गाइस इसमें आप लोग को शिकायत नहीं देखने को मिलेंगी। एक और पॉइंट मुझे बढ़िया लगा इसका, वो है एडजस्टेबल हाइट, जो कि काफ़ी सारे कीबोर्ड्स में नहीं होता, तो ये एक प्लस पॉइंट और है गाइस, जो कि आप लोग अपने कीबोर्ड को एडजस्ट कर पाएँ। सो इसका फिफ्थ पॉइंट जो कि काफ़ी मस्त लगा, वो है इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इसमें आप लोग अपने आरजीबी को कस्टमाइज कर पाएंगे, तो एक प्लस
प्लस पॉइंट और है, इसमें जो कीज मिलती हैं वो सारे स्क्रैच रेजिस्टेंस होने वाले हैं, तो इसमें आप लोग को स्क्रैच को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बिल्ड वाइज भी ये बढ़िया होने वाला है। तो ओवरऑल बात करिए 2000 से 2200 2300 के अंदर काफ़ी ही मस्त कीबोर्ड होने वाला है। इसमें आप लोग को सारे फीचर्स जो हम लोग गेमर्स को चाहिए वो सब मिलते हैं, कस्टमाइजेशन से लेकर बिल्ड क्वालिटी से लेकर स्वैपेबल, प्रॉपर RGB, 87 कीज़ के साथ, एडजस्टेबल हाइट, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है मुझे। आप लोग का क्या मानना है इस कीबोर्ड को लेकर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।